आज दशहरा है और आज दशहरे के दिन हम बात करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ पेशेंस, परसिवेरेंस, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर फॉर इनर ब्यूटी। दशहरा और दिवाली के दिनों में सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मुझे आज याद आ रहा है तो वो सीता का है। रामलीला के दिन है, बचपन से ही हम रामायण की कहानी सुनते आ रहे हैं, शायद हमने इसे बहुत ही अच्छा एपिक मान के वहीं पे छोड़ देते हैं, कुछ दिन इसको एंजॉय करते हैं और फिर हमारी ज़िंदगी वही वापस रूटीन में चली आती है। तो चलिए दो मिनट इस बारे में बात कर लें कि सीता को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है। अगर हम सीता की जर्नी देखें तो वो एक खेत में मिली हुई लड़की जो राजा जनक को मिली, जिन्होंने उसको पाला और एक वो ड्यूटीफुल डॉटर की तरह बड़ी हुई। उन्होंने राम को स्वयंवर में चुना, ऑनर और डिग्निटी के साथ उन्होंने राम के और उनकी फैमिली की आई थिंक रक्षा की, और उसके बाद एक वो ऐसी मदर बनी जिन्होंने सिंगल पेरेंटिंग की। अगर आप ध्यान दें तो लव और कुश को उन्होंने अकेले ही पाला और उन्होंने अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी कि वो बड़े होकर आर्टिस्टिक, इंटेलिजेंट और बहुत ही ब्रेव वॉरियर्स बने। तो ये सीता की कहानी है, शायद हम इनको कैरेक्टर्स के साथ दोबारा से रीलिव कर लें तो अच्छा हो। अगर हम मॉडर्न जनरेशन के पर्सपेक्टिव से भी सोचें तो आज आप यही कहेंगे, से नो टू राम बट से यस टू सीता। अगर राम ने सीता को रिजेक्ट किया तो हमने उनको बहुत कंडेम किया, लेकिन जब सीता ने राम को रिजेक्ट किया तो हमने उसको डिग्निफाइड बोला। तो सीता कहीं से भी कमज़ोर तो नहीं थी, सीता में बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। तो जब राम ने वनवास जाने का सोचा तो उन्होंने बहुत कोशिश करी कि सीता साथ ना जाएं, लेकिन सीता ने अपनी इंटेलिजेंस और अपने लॉजिक और रीजनिंग से राम को कन्विंस कर लिया कि उनका लाइफ पार्टनर उनके साथ हर जगह होना ही चाहिए। वुमन जितनी मर्जी मॉडर्न ही क्यों ना हो जाए, अल्टीमेटली उसको अपनी फैमिली को भी साथ लेकर चलना होता है और उसमें उसका लाइफ पार्टनर उसके साथ ही होना चाहिए। सीता ने लाइफ में सफरिंग ज़रूर करी, लेकिन मजबूरी से नहीं, खुद कदम बढ़ा के वो खुद आगे आई और उन्होंने ये डिसीजन ली कि उनके हस्बैंड अगर वनवास जाएंगे तो वो टाइम उनके साथ ही काटने को वो पूरे तरीके से तैयार हैं। तो उनकी पेशेंस का टेस्ट शायद यहीं से शुरू हो गया। जब रावण उनको ले उड़े और उसके बाद उनकी स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर देखिए कि उन्होंने उस आदमी को मजबूर कर दिया जो कि एक बहुत बड़ा राजा था कि वो उनके करीब ना आ सके। इससे ज़्यादा इवन रावण की जो वाइफ थी वो भी सीता को सुप्रीम मानने लगी, और जैसे ही उनका डायलॉग हम पढ़ते हैं सीता के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सामने आते हैं, कहीं भी उन्होंने अपनी पेशेंस नहीं खोई। उनका स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, उनकी लॉजिक, रीजनिंग, उनकी क्लियर सेंस ऑफ राइटियसनेस, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, कदम कदम में रामायण के एपिसोड्स में हमें मिलते हैं। एक वुमन जो कि इनकम्पेरेबल है, आप उसकी रेपुटेशन देख लीजिए। ऑफकोर्स बहुत सारे लोग थे, राम के नगरी में भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उस पर डाउट किया, लेकिन उन्होंने कभी भी उस टेस्ट पे उतरने से आनाकानी नहीं की। सो मच सो दैट उन्होंने अपने हस्बैंड के ऑनर को मेंटेन करने के लिए अग्नि परीक्षा तक दी। तो अगर हम याद करें कि जैसे ही वो वाल्मीकि के आश्रम गई जहाँ उन्होंने अपने दो बच्चों को जन्म दिया जो लव और कुश कहलाए, उन्होंने वो पूरा टाइम अकेले ही बिताया, लेकिन अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से उन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। बच्चों के लिए वो माँ और बाप दोनों बनी, उन्होंने कोई भी शिक्षा से उनको अलग नहीं रखा, चाहे वो राज्य करने की शिक्षा थी, चाहे वो एक आर्टिस्टिक शिक्षा थी, चाहे वो एक वॉरियर की शिक्षा थी, उनके बच्चे संपूर्ण और सब कला या आर्ट आप जो भी कहें उसमें कंप्लीट इंडिविजुअल्स बने। सीता एक डिफरेंट एरा में पैदा ज़रूर हुई, लेकिन उनमें सब वो क्वालिटीज़ हैं जो आज आप डिज़ायर करना चाहते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपने हस्बैंड के साथ कदम पे कदम मिला के चलना चाहते हो, आप अपने बच्चों के लिए एक कंप्लीट पेरेंटिंग चाहते हो, इनफैक्ट आप इवन दूसरे लोग जो आपको अच्छी नज़र से नहीं देखते उनको हैंडल करना चाहते हो। तो कुछ सीता की लाइफ से हमें सीखना चाहिए, उनकी पेशेंस, उनकी परसिवेरेंस, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी फोरसाइट। जब उन्होंने देखा कि मेरी ड्यूटीज़ कंप्लीट हो गई हैं
मेरे लिए शायद अब और कोई काम नहीं बचा, और उसके बावजूद उनके हस्बैंड या राम उनकी परीक्षा लिए जा रहे हैं, या शायद लोग ही उनको इस बारे में मजबूर कर रहे हैं, तो उन्होंने धरती में समा जाना ही बहुत अच्छा समझा। आई थिंक इससे बढ़िया डिग्निफाइड एंड और कोई हो ही नहीं सकता। तो हम एक हिस्टोरिकल एक्ट और एक हिस्टोरिकल एपिक से सीता माता की लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं।